आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। घर आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हमको मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आँखों में सपने हाँ इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। मामा जी, मामा जी नहीं 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 पारो बेटा, तू परेशान मत हो, सभी ने ठीक ही कहा है, बोझी हूं मैं। उनकी बातों का बुरा मत मानिए प्लीज। बेटा जो बात सच है उस बात का क्या बुरा मानना। मामा जी वो सिर्फ जुबान के कड़वे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। आज तक सुन रखा था, आज देख भी लिया, दिल का अच्छा लड़का है वो। आप तो बड़े हैं मामा जी, अपना बेटा समझकर उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा माफ करने वाला मैं कौन हूँ। देखिए ना समय तो मुझसे भी इसी तरह से बात करते हैं। हाँ जरूर करता होगा, मैं तो बुरा नहीं मानती। पारू बहू जो लड़का अपने बाप का न हो सका और किसी का क्या होगा बेटा। मैं मामा जी एक्चुअली मैं नहीं, मैं ठीक, मैं आज ही बच्चों से कहता हूँ सामान बांध लो, हम लोग गाँव वापस आएंगे। नहीं मामा जी आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी आप यहीं रहेंगे। और प्लीज प्लीज बाबूजी से आप ये बात। नहीं बेटा नहीं, रुक के लिए मामा जी प्लीज। भाभी आपको क्या लगता है क्या होगा? होना क्या है, समीर कहीं नहीं जाएगा। आपको यकीन है? आई मीन मुझे तो नहीं लगता कि समीर भैया। मैं खूब जानती हूँ उसे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो, अपने फायदे के लिए सबको परेशान कर रहा है। लेकिन अगर उन्होंने सचमुच घर छोड़ दिया तो? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। भाभी जहाँ तक मैं समीर भैया को जानती हूँ, उनकी हमेशा की इच्छा थी कि वो ये घर छोड़कर जाए और अपना खुद का घर बसाए। हो सकता है। और अब बाबूजी के साथ मतभेद होने के बाद इस मौके का फायदा उठाकर वो ये परिवार से अलग हो जाना चाहते हैं। लेकिन समीर ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो अलग रहना चाहता है। यही तो खास बात है, वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। पारो को भी नहीं? अरे वही तो थी जो शुरुआत में समीर को भड़काती थी। लेकिन अब पारो भाभी बदल गई है, अब जबकि वो नहीं जाना चाहती समीर भैया जबरदस्ती। कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती भी हो और समझती भी हो। अनुभव है मुझे। छोड़ो ना सोनल ये सब बातें, जो होगा देखा जाएगा, कल की चिंता में आज क्यों परेशान रहे। अरे हाँ सोनल, तुम्हें वो ब्लैंक कॉल्स आते थे उसका क्या हुआ? आज के दिन में अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, थैंक गॉड। हेलो कौन? बाबूजी वो तो घर पे नहीं है, आप उन्हें मोबाइल पर ट्राई कीजिए। ओके। Ha ha ha.
हाँ मीनू बेटा, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। टोटल कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है हॉस्पिटल से? अच्छा, ओ हाँ, तुमने ऐड दे दी। बहुत अच्छा किया मीनू बेटे, बहुत अच्छा किया। अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करो। बाय। बाबूजी, कोई नया बघेड़ा? सब कुछ समीर का करा कराया हुआ है। उसने जो लोग अपॉइंट किए थे हॉस्पिटल में, वो सारे इस्तीफा दे रहे हैं। क्या होगा बाबूजी? दिल्ली में नया अस्पताल बन रहा है और वो सारे हमारे ट्रेन स्टाफ को एब्सॉर्ब कर लेंगे। ये उन्हीं की चाल हो सकती है। नहीं, ये काम समीर के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। बाबूजी, अब क्या किया जाए? क्या करेंगे? समीर के सामने झुकेंगे नहीं, और क्या। देखिए बाबूजी, समीर का जो हिस्सा देने का आपने फैसला किया है वो बदलेगा नहीं, वरना घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। जी तो चाहता है कि उसे। बाबूजी प्लीज, जाने दो, दे दीजिए उसका हिस्सा, हमारी मुश्किल ही आसान हो जाएगी। सो तो है, सारी मुश्किलें भी उसी ने खड़ी की है ना। माँ जी, आज हमें बहुत ही मजा आया। हम चारों बहुओं ने मिलकर खाना पकाया। हाँ? अच्छा, तभी मैं सोचूं आज इतना अच्छा खाना कैसे बना। सच माँ जी, आज बहुत ही मजा आया। मैंने और सोनल ने मिलकर सब्जियां काटी, तो पारो और रश्मि ने उसमें मसाला डाला, फिर वो दोनों ने आटा बनाया, तो मैंने और सोनल ने रोटियां बना दी। अरे वाह! इस तरह एक साथ मिलकर काम करने से काम भी जल्दी होता है और आपस में प्यार भी बढ़ता है। हाँ माँ जी, आज हमें बहुत ही मजा आया। पारो ने अपनी फिल्मी बातें सुनाई। हाँ? और सोनल ने अपनी पुरानी गलतियों को दोहराया। इतना मजा आया, हम सब ने मिलकर इतने गप्पे हाके कि आप पूछिए मत। वाह! और हम सब ने कुछ तय भी किया है। वो क्या? लेकिन उसमें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो ना। हम सब ने तय किया है कि बाबूजी और समीर में सुलह हो जाए। माँ जी, अभी तो आप कह रहे थे कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब मैंने तुम बहुओं के लिए कहा था। लेकिन माँ जी, आपकी बहुएं तभी साथ हो सकती है ना जब आपके बेटे साथ हो। देखिए माँ जी, अगर परिवार में इस तरह से झगड़े बढ़ते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब समीर हमसे अलग हो जाएगा। आपको बाबूजी को समझाना होगा। अलग होना तो हो जाए, कौन रोकता है उसे। माँ जी, आप ये कह रही है एक माँ होकर? अरे पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माँ? देखो बहू, मैं पहले बीवी हूँ, बाद में माँ। वो उनको यानी अपने पिता को ऐसा कैसे कह सकता है कि शेखर की मौत के जिम्मेदार तुम हो? ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम दादी माँ को भी खा गए और अब शेखर को भी खा गए? ऐसा कहते हुए उसकी जबान जल क्यों नहीं गई? छी, मुझे तो उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। देखिए माँ जी, इंसान अगर गुस्से में कुछ कह जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सोचता भी वही है। उसकी गलती समझ कर उसे माफ कर दीजिए। कितनी गलतियां माफ कर दूं बहू, कितनी गलतियां माफ कर दूं? वो अपनी सुंदर बीवी होते हुए भी किसी दूसरी के पीछे भागता है, ये माफ कर दूं? या फिर तुम्हारे पति का एक ही सपना था अस्पताल, उसे हथिया लिया, उसे माफ कर दूं? या फिर अपने पिता से छिपकर वो पैसे इकट्ठे करता रहा, वो माफ कर दूं? या फिर मुसीबत के वक्त जो पैसे और गहने देने थे वो अपने ससुराल में जाकर छिपाया, वो माफ कर दूं? क्या माफ कर दूं? हाँ, क्या माफ कर दूं? नहीं नहीं बहू नहीं, वो माफी के काबिल है ही नहीं। मैं तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं करूंगी। माँ जी, आपका गुस्सा जायज है, मगर आप ये तो सोचिए कि उसकी गलती की सजा पारो और अक्षय क्यों भुगते? अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो अक्षय को भी वही संस्कार मिलेंगे, और अगर यहाँ रहे तो आप अक्षय को अच्छे संस्कार दे सकेंगे। पारो भी कुछ कम नहीं है,
अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। लेकिन माँ जी इस बार वो सच्चे दिल से मान रही है कि समीर की गलती है। मानती है ना वो? तो फिर समीर को समझाओ ना, सब मिलकर तुम्हारे बाबूजी को समझाने की बात क्यों कर रहे हो? वो जिद पर अड़ा हुआ है माँ। तो मैं क्या करूँ? माँ जी हम सब अपना थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं तो फिर आप क्यों जिद कर रही है? कितना बड़ा परिवार था हमारा, शेखर चल बसा, अभय न जाने कब वापस लौट कर आएगा। कल को अगर समीर भी चला गया तो ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। जब अभय घर छोड़कर चला गया था तब उसे याद कर करके आप कितना रोई थी। कल को अगर समीर भी चला जाएगा तो और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, उसकी याद आएगी, तब आप क्या करेंगी? माँ जी आप अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और उसकी गलती को माफ कर दीजिए। ठीक है आपकी मर्जी, मैं चलती हूं, मैं कोशिश करूंगी। बात हुई तुम्हारी? किससे? समीर से। हाँ मैंने उसे रुकने के लिए कहा है 24 घंटे के लिए। आप माजी से बात करने वाली थी, क्या हुआ? वही कहने आई हूँ तुमसे, बहुत दलीलें करनी पड़ी उनके साथ, तब जाकर माजी ने कहा कि वो हमारा साथ देंगी और बाबूजी को मनाने की कोशिश करेंगी। किसी के दिमाग से एक बात निकालकर उन्हें अपनी बात मनवाना कितना कठिन होता है नहीं रश्मि? और अभी बाबूजी बाकी है। बाबूजी मान जाएंगे, हम सब मनाएंगे, वो जरूर मान जाएंगे। अरे मुझे दाल नहीं थी महाराज, दाल लेकर आओ। अभी लाए। पन्ना तुम्हारा प्ले स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है बाबूजी, अब तो बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। अरे वाह अच्छी बात है। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज दो दो बहुएं मेरी सेवा में हाजिर हैं, कोई स्पेशल मांग है क्या? हाँ ऐसा ही समझिए। जब तक मुझे दाल नहीं मिलेगी मैं तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करूंगा। अरे महाराज दाल ले आओ। हाँ बोलो क्या मांगे तुम्हारी? रश्मि तुम कहो ना। नहीं माँ जी मैं नहीं कहूंगी, आप ही कहिए ना। नहीं मैं नहीं कहूंगी। क्यों कोई सीरियस मैटर है क्या? अरे महाराज दाल लेकर आओ, बिना दाल के मैं खाना कैसे खाऊं? बाबूजी जिस तरह इस थाली में दाल की कमी होने से खाना अच्छा नहीं लगता, इसी तरह इस घर से अगर समीर चला जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। हम सबकी यही इच्छा है कि उसे जो चाहे दे दीजिए, मगर उसे इस परिवार से अलग मत होने दीजिए। समीर मैं इन झगड़ों से तंग आ चुका हूं, बहुत परेशान हो गया। मुझे इस घर में मन मुटाव नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बिजनेस के लिए 25 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन उसके सामने नानावटीज की सभी कंपनियों में से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा और तुम्हें इस घर में मिलजुल कर रहना होगा सबके साथ। बोलो मंजूर है? ये 25 करोड़ जो आप मुझे दे रहे हैं वो
मेरे अपने होंगे। हाँ, और उन पैसों पर मेरा हक होगा। हाँ, तुम जो चाहो बिजनेस कर सकते हो, तुम पर कोई दबाव नहीं होगा, तुम जो चाहो करो, तुम्हारी बला से। समीर मान जाओ प्लीज, बिजनेस के मतभेद घर में मत लाओ, हम सब शांति से बैठकर एक साथ खाना तो खा सकेंगे, हमारे बच्चे अगर साथ रहेंगे तो उनमें भी भाईचारा बना रहेगा। देखो समीर, जॉइंट फैमिली के कई फायदे हैं, हम उन्हें रियलाइज नहीं करते कभी। भाभी ठीक कह रही है, हमें जुदा नहीं होना है समीर, प्लीज मान जाओ ना। वैसे समीर ये डील बुरी नहीं है, और जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं वो कम भी नहीं है। तुम चाहो तो मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता हूँ, देख लेना, बाद में साइन करना। ठीक है, मैं तैयार। ये लीजिए मिठाई। ओह मिठाई, बड़े दिनों के बाद देखने मिली। अरे वाह मिठाई, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। थैंक यू सो मच। लाइए आपकी प्लेट, लाइए। लो ये सारी आपके लिए, और ये इतनी सी मेरे लिए। इतनी सारी मिठाई तुम खाओगी? हाँ। तुम्हें पता है ना मिठाई खाने से वजन बढ़ता है। हाँ, तो इसीलिए खा रही हूँ, तुम्हें तो वजन घटाना है। तब की बात और थी, अब मोटे फिगर का जमाना है। अच्छा। हाँ भाभी, अगर टुंटू जवान होती ना, आज वो मिस वर्ल्ड होती। चुप रहो। अरे कसम से, देखो तुम्हें मिठाई खानी है तो खा लो, मगर ये ऊंची ऊंची मत फेंको। भाभी इस बार आप मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखना, आपको सारी मोटी औरतें देखने मिलेगी। अब तुम दोनों का डिस्कशन खत्म हुआ हो तो मुझे कुछ पूछने की इजाजत है? इजाजत है? तो ये जानने की भी इजाजत है कि ये मिठाई आज किस खुशी में मंगवाई है? हाँ है। तो फरमाइए ना बेगम। तो हुआ यूं कि नानावटी खानदान के राजा यानी कि पूज्य बाबूजी खम्मा और नानावटी खानदान के मंझले कुंवर यानी कि समीर, उन दोनों के बीच अब सुलह हो गई है। तो इसी खुशी में नानावटी परिवार की बहू यानी कि रश्मि देवी, उन्होंने ये मिठाई मंगवाई है। अब मुझसे नहीं होगा। सीरियसली, पुराने जमाने में लोग कैसे मैनेज करते होंगे? चाहपना, ये बेगम आपसे गुजारिश करने की चाह रखती है। अरे सीधे सीधे बात करो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चलो एक बात अच्छी हुई, बाबूजी और समीर के बीच में सुलह हो गई। हाँ, बाबूजी ने समीर के 25 करोड़ रुपए की मांग मान ली है। अब समीर नानावटी की किसी भी कंपनी पर क्लेम नहीं करेगा। फेयर इनफ। क्लेम नहीं करेगा तो करेगा क्या? अपना खुद का बिजनेस करेगा। वेरी गुड। और हम सब साथ साथ रहेंगे? हाँ, बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ भाई, पिछले कई महीनों से कभी बाबूजी कभी समीर तंग आ गया। सब कुछ शांत हो गया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि घर में एक आध हवन करा दिया जाए, भगवान का भी तो शुक्रिया अदा करें। That's a nice idea. लेकिन भाभी अभय भैया को तो वापस आ जाने दीजिए। वेरी गुड। इस बात पे एक मिठाई और हो जाए। नहीं मीनू। देखो इतने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो ऐसे नहीं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ओके, दिया, बोलो। यहाँ? यहाँ नहीं, कहीं चलकर बैठते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हारे घर जाने वाला था अभी। ओह, मोस्ट वेलकम। चलो अभी चलो। चलते हैं। चलो चलो। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सोनल आराम से बैठ के बातें करते हैं ना। माय गॉड, वुमन, थाई नेम इज क्यूरियोसिटी।